आंध्र प्रदेश के लोग इस चुनाव में दो बड़े संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। पहला, लोगों ने तय कर लिया है कि वो दिल्ली में एनडीए सरकार को वापस लाकर रहेंगे। दूसरा, यहां के लोग राज्य सरकार से इतना आक्रोशित है कि उसे हटाने का मन बना चुके हैं। यहां राज्य सरकार के मंत्रियों में एक दूसरे से ज्यादा भ्रष्टाचार करने का कंपटीशन चल रहा है। आंध्र प्रदेश के लोग देख रहे हैं कि राज्य के तेज विकास के लिए जिस सकारात्मक वातावरण को बढ़ाने की जरूरत थी, उसे पिछले 5 साल में यहां धक्का लगा है। आंध्र प्रदेश के लोगों ने देश के विकास के लिए, आंध्र प्रदेश के विकास के लिए पूरी सकारात्मकता के साथ वोट देने का निर्णय ले लिया है। आप ये गलती कभी मत करना कि आंध्र में जगन की पार्टी और कांग्रेस पार्टी अलग है। ये दोनों एक ही है, एक परिवार के लोग ही दोनों पार्टी चला रहे हैं और ये उनकी मिलीभगत है कि जो सरकार के प्रति गुस्सा है वो थोड़ा गुस्सा कांग्रेस की तरफ चला जाए ताकि एनडीए के लोगों को लाभ न मिले। तो ये दोनों की चालाकी है, ये दोनों एक ही चट्टे बट्टे के आजू बाजू है। कोई गलती मत करना। अगले 5 साल आंध्र प्रदेश के तेज विकास के लिए बहुत जरूरी है। अगले 5 साल विकसित आंध्र की नींव मजबूत करने वाले होंगे। अगले 5 साल आंध्र प्रदेश में गरीब कल्याण की योजनाओं के विस्तार के होंगे। अगले 5 साल आंध्र के युवाओं, यहां की महिलाओं को नए अवसर देने वाले होंगे। अगले 5 साल आंध्र प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को नई ऊंचाई पर ले जाने वाले होंगे। अगले 5 साल आंध्र प्रदेश में पोर्ट लेट डेवलपमेंट के होंगे, ब्लू इकोनॉमी के विस्तार के होंगे और इसलिए आपको डबल इंजन की सरकार के लिए आंध्र की विधानसभा में और दिल्ली में लोकसभा के लिए वोट करना है। आपको विकसित भारत के लिए वोट करना है।